नाम है यस बैंक, जिसके नतीजे आए वीकेंड के दौरान, और कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रशांत जी, नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपने किया है, लेकिन अभी भी जो आपके अच्छी रिकवरी के बावजूद एनपीएस बहुत एलिवेटेड है, जबकि पूरी इंडस्ट्री में बहुत रिकवरी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, इसको अगर आप थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। यस बैंक जब प्रॉब्लम में आया तो उसका रीजन ये था कि बहुत बड़े जो लोन थे, बहुत बड़ा एनपीए पूल था। तो अगर आप देखें तो 2 साल में ना केवल वो सारे रिकग्नाइज हुए, उनके ऊपर 80% प्रोविजन किया गया, और पिछले साल 5,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी थी और इस साल भी उससे ज्यादा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्लिपेज है वो हमारी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई। तो इस क्वार्टर में जो स्लिपेज है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50% कम हुई है। तो इस प्रोसेस में जैसे जैसे हमारे जो फ्रेश स्लिपेज है वो कम होती जा रही है, रिकवरी हमारी बढ़ रही है, तो आगे आने वाले समय में ये एनपीए पूल जो है वो कम होगा। तो इसको हम दूसरे बैंकों से अभी कंपेयर नहीं कर सकते, पर ये काफी, क्योंकि प्रोविजनिंग 80% हो गई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और स्लिपेज पे कंट्रोल है। पर क्योंकि ये इतना बड़ा पूल है और इतने बड़े पूल को अगर बैंक के अंदर हम रिजोल्व करना चाहेंगे तो काफी इसमें समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे। तो इसलिए हम लोग एक एआरसी स्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, और एक बार वो स्ट्रक्चर जब सेटअप होगी तब हम ये पूरा का पूरा जो हमारा एनपीए पूल है कॉरपोरेट और रिटेल का, ये दोनों उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और बैंक बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि 0% एनपीए वाला बैंक। ये एक थ्री ठीक है, स्पेशल केस लेके इसको चलना चाहिए जिस परिस्थिति में ये था। नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी जो है 1764 करोड़ है, जो कि साल दर साल 31% कमज़ोर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 16.5% की ग्रोथ है, लेकिन एक इस पर जवाब दीजिएगा क्यों इतना नहीं रिकवर हो पा रहा। और मार्जिन सर आपके इंडस्ट्री लो पे खड़े हुए हैं 2.4%, ऐसा क्यों सर? तो देखिए, अगर मैं पहले आपका जो दूसरा सवाल है उसकी बात करूं तो इस क्वार्टर में हमारे मार्जिन्स में 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ। और जो ये 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है वो इसलिए कि जिस तरह हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होती जा रही है और लोन ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो आगे आने वाले समय में भी हमें इस क्वार्टर में भी कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का और इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा निम्स के अंदर। और अगले साल हमारा जो निम है वो 3% के आसपास सेटल हो जाएगा।